नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आर्टियन कला में। दोस्तों इस वीडियो में बताएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रूप भेद और अनुकरण मंदिरों का जो प्रयोग हुआ है, वर्णिका भंग के बारे में, सृजन पोत के बारे में, इन सभी के बारे में मैं बात करूंगा। तो आइए देखते हैं रूप भेद का अर्थ। ऐसे रूप जो दूसरे रूपों के सामने नहीं रखते, जैसे कि आकार छोटा बड़ा लंबा चौड़ा, दर्शक अपने अनुभव द्वारा जो ज्ञात करते हैं, भावनाओं के आधार पर पहचान सकते हैं। रूपों अथवा आकृतियों की यह विभिन्नता ही जो है वह रूप भेद कहलाती है। तो रूप भेद क्या है, इस तरीके से जब पूछा है तो इस तरीके से हमको बताना है कि रूप भेद का अर्थ ऐसे रूपों जो दूसरे रूपों को शामिल नहीं रखते, जैसे आकार छोटा बड़ा लंबा चौड़ा, काला सफ़ेद कोई भी हो सकता है। प्रत्येक उपादान में सौंदर्य तथा एक भाव निश्चित होता है, जिसे दर्शक अपने अनुभव द्वारा ज्ञात करता है, भावनाओं के आधार पर पहचान सकता है। रूपों अथवा आकृतियों की यह विभिन्नता ही रूपभेद कहलाती है। अब आता है बात यथार्थ एवं अमूर्त रूप क्या है। तो कलाकार अपने चारों ओर के वातावरण को भौतिक आँखों से देखता है और उसकी प्रक्रिया स्वरूप उसके मानस पटल पर, माने उसके स्वभाव पर, उसके अंदर मन मंदिर में मस्तिष्क पे जो प्रभाव पड़ता है, प्रतिबिंब दिखाई देता है। जहाँ बिंब बाह्य दृश्यों में मेल खाते हैं, वहाँ यथार्थ रूप तथा जहाँ बिंब आधारित होते हैं, वहाँ सरलीकृत हो जाते हैं, वहाँ अमूर्त रूपों की अभिव्यक्ति होती है। अनुकरण के बारे में कहें, जहाँ तक कलाकार की अनुकरण सबसे बड़ी महत्व आती है किसी कलाकार के ऊपर, कलाकारी में, तो अनुकरण क्या है। जब कलाकार अपने चारों ओर के वातावरण और घटनाओं को मानव कृतिवत अर्थात सादृश्य के आधार पर हूबहू प्रस्तुतिकरण करता है, तो वह अनुकरण होता है। इस चित्रण में छाया, प्रकाश, माप, प्रमाण आदि का प्रत्यक्ष आधार पर ही ध्यान रखा जाता है, तो उसे अनुकरण कहा जाता है। मंदिर के गुंबद सपाट न होकर ऊंचाई ली हुई क्यों होते हैं, अगर ऐसा पूछा जाए तो प्रत्येक रूप का एक अपना प्रभाव होता है। और त्रिभुजाकार रूपों में जिनके नीचे का भुजा क्षैतिज तथा दो भुजाओं ऊपर की ओर जाती हुई कर्णवत होती हैं, तो ऊर्ध्वत उद्गत का जो आभास प्रतीत होता है। ऐसे रूप एक ऊंचाई की ओर इंगित करते हैं, जैसे मंदिर तथा गिरजाघर के गुंबद के रूप में त्रिभुजाकार रूप आध्यात्मिक शक्ति की ओर इंगित करते हैं। यही कारण है कि मंदिर की छत सपाट न होकर त्रिभुजाकार ऊंचाई लिए हुए हैं। सक्रिय एवं सहायक रूपों में से कौन से रूप चित्र के लिए महत्वपूर्ण हैं? तो चित्र के मुख्य रूप जिन पर दर्शक की दृष्टि सर्वप्रथम जारी है, सक्रिय रूप होते हैं, और सहायक रूप सक्रिय रूपों का प्रभाव बढ़ने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। यदि इसके प्रयोग में चूक हो गई हो तो सक्रिय रूपों को सौंदर्य नष्ट हो जाते हैं, और दोनों ये रूपों का पृथक पृथक महत्व होता है। आता है बात कि वर्ण, वर्ण को हम किस प्रकार देखते हैं, कलर को किस प्रकार देखते हैं। तो प्रकाश के द्वारा हमें कोई भी रंग दिखाई देता है, तो किसी वस्तु के द्वारा विकिरण होकर जब प्रकाश आँखों प्रवेश करता है तो रेटिना पर जाकर केंद्रित होता है, और रेटिना के पार्श्व में रोड्स तथा कॉन्स सूक्ष्म तंतु ग्रंथियां होती हैं जो चेतन हो जाती हैं। इन तंतु ग्रंथियों का संबंध मानव की दृष्टि चेतना से होता है, इसी उसी की रंग की अनुभूति होती है। शीत तथा उष्ण वर्णों की विशिष्टता को अगर बात किया जाए तो शीत वर्ण जो देते हैं, उष्ण वर्ण अग्रग्रामी होते हैं तथा दृष्टि को सर्वप्रथम प्रभावित करते हैं। प्रफुल्लित चमकदार वातावरण प्रदर्शन करने में उष्ण वर्णों का प्रयोग होता है ज़्यादा से ज़्यादा, जबकि शीतल वर्ण की बात करें तो कोमल प्रभाव उत्पन्न करने करते हैं। यह पृष्ठगामी होते हैं तथा नेत्रों को शीतलता प्रदान करते हैं। लाल, पीला, नारंगी आदि उष्ण तथा हरा, नीला शीत जो है, ये सब शीत वर्ण में की श्रेणी में आते हैं। वर्णिका भंग क्या है? तो चित्र में रंगों की यथा संभवतः मिली जुली भंगिमाएँ वास्तव में वर्णिका भंग है। इसी के आधार पर पता चलता है कि किस भाव अथवा विषय के अनुरूप
कौन सा रंग लगाया जाता है ताकि रूपों का मानवकृति में विभिन्नता से प्रदर्शित की जा सके। सृजित पोत की व्याख्या कीजिए। अगर ऐसा पूछता है तो सृजित पोत आधुनिक काल में इस पोत की रचना माने जाते हैं जिससे कलाकार अपने तकनीकी ज्ञान माध्यमों के प्रयोग के आधार पर नित नवीन रचना संलग्न करते हैं, जिसमें कलाकार रंगों को बहाकर ब्लेड नाइफ अथवा स्पैटुला के लगाकर सीधे ट्यूब से लगाकर उसको कैनवास पे उतारते हैं, हैंडमेड कागज़ में घिसकर अनेक प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से उसका प्रयोग सृजित पोत के अंतर्गत आता है। और अगर पूछा जाए कि चित्र में आकृति को केंद्र में क्यों नहीं बनाना चाहिए, चित्र में जो है आकृति को केंद्र में क्यों नहीं बनाना चाहिए, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता नहीं, लेकिन ये जो आर्टिस्ट है उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि केंद्र पर चारों दिशाओं में एक समान बल उत्पन्न होने पर दर्शक की दृष्टि थकान अनुभव करती है, तो केंद्र में आकृति जो चित्रित होने पर चित्र भूमि चारों ओर समान रूप से विभाजित हो जाती है और जिसमें निरस्ता आने लगता है, मतलब देखें थोड़ा सा। और रेखा सामंजस्य क्या है, रेखा सामंजस्य के बारे में भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो प्रत्येक रेखा के प्रभाव एवं गुण पृथक पृथक होते हैं, अलग अलग होते हैं। किसी भी चित्र में उसके विषयगत भाव के आधार पर रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। शांतमय वातावरण को प्रस्तुत करते समय यदि कलाकार सरल लयात्मक क्षैतिज रेखाओं के स्थान पर कोणात्मक रेखाओं का प्रयोग करता है तो सामंजस्य की हानि होती है। यह वर्णिका से रेखाएं खींची गई हैं तो संपूर्ण अभिव्यक्ति वर्णिका से ही होती हैं होनी चाहिए। इसी प्रकार कोणात्मक रेखाओं के साथ साथ कोणीय लयात्मक रेखाओं का वक्रात्मक रेखाओं के साथ सामंजस्य किया जाता है।